मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रीवा से बड़ी खबर की, जहां बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 16 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 6 से ज्यादा पोकलेन मशीनों से खुदाई हो रही है। बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और अब तक 40 फीट से ज्यादा गहरी लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है। SDRF NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कलेक्टर SP सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जाने थाना क्षेत्र के मानिका गांव की पूरी घटना सामने आई है। खबर रीवा से है, जहां पर बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। 16 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 6 से ज्यादा पोकलेन मशीन से खुदाई हो रही है। बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। मासूम बच्चा बोरवेल में जा गिरा है और अब लगातार उसको बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। SDRF NDRF की टीम मौके पर है और आप ये देखिए कि बच्चे में कोई मूवमेंट ना होने की वजह से जो परिजन है वो काफ़ी हताहत हैं, काफ़ी परेशान हैं और रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, जिसके औलाद इतने गड्ढे में गिरी हो और उसका कोई मूवमेंट ना हो तो जाहिर सी बात है परिवार की स्थिति क्या होगी बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि यहां पर तमाम टीमें मौके पर जद्दोजहद कर रही हैं कि जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकाल लिया जाए। जिंदगी के लिए जंग सभी लोग लड़ रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बराबर उस पर नजर बनाई गई है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर, अभी कैसी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपडेट मिला है? तरीके से ठीक, मेरे पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देखा जा सकता है कि इस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जब से यह घटना हुई उसके बाद से लगातार जारी है और एक मिनट के लिए भी थमा नहीं है। तो प्रशासन का यही वजह है कि प्रशासन जो पूरी रात जद्दोजहद किया है वही कारण है कि जो प्रशासन है अब तक है तो 40 फीट की गहराई पहुँच चुका है और आसार लगाई जा रही है कि 10 फीट की गहराई के भी और जाना है। इसके लिए जो है तो अब जो मशीन से जो खुदाई चल रही थी उसको रोक दिया गया है और इसके बाद एक जो बड़ी एक सुरंग होती है पाइप की, उस पाइप के जरिए बोरवेल के अंदर जो है तो NDRF SDRF की टीम जाएगी, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जो है तो तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। जी रीनू आज बिल्कुल। और हम ये भी देख पा रहे हैं हरीश कि बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। क्या अभी कोई अपडेट है कि बच्चा किसी भी तरीके से कोई हलचल कर रहा है? क्योंकि बच्चा मूवमेंट ना करना ये एक बहुत बड़ी टेंशन भी बढ़ जाती है, परिजन भी काफी टेंशन में है। उसके किसी भी तरीके से कोई जानकारी मिल पाई है क्या उसकी? रीनू, जिस तरीके से जो मूवमेंट की बात आ रही है तो मूवमेंट जब से घटना हुई है उसके बाद एक बार दो बार मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद ही बोर में थोड़ा सा क्या है ऊपर कुछ मिट्टी आ गई थी और कुछ जो ऊपर का जो कुछ कचरा था वो नीचे चला गया है, जिस वजह से बच्चा का जो मूवमेंट है तो मूवमेंट का पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि प्रशासन जो है ऑक्सीजन उसके अंदर तक पहुंचाया है और दावा भी कर रहा है कि भी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस तरीके से कैमरे में दिख रहा है और जो CCTV लगाए गए हैं उसके अंदर उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि बोर में उसके अंदर दो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बरसाती कीड़े होते हैं वो कीड़े जरूर वहाँ अंदर जो है तो खलर डाल रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है और कंटिन्यू कई घंटे से बच्चे का मूवमेंट बंद है तो कहीं कहीं चिंताजनक बात है और परिवार जन भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित भी है और काफ़ी हताहत भी है और उनका कहना है कि जो भी स्थिति बने वह प्रशासन जल्द से जल्द साफ करे। रीनू जी बिल्कुल। और हरीश, तकरीबन कितना और वक्त लगेगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो खुदाई की जा रही है, बच्चे तक पहुंचने के लिए और कितना वक्त, कितना और इंतजार? बिल्कुल रीनू, इसको कहा जा सकता है कि तकरीबन प्रशासन को 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा। इसके बाद प्रशासन जो है तो जहां मैंक है, जिस जगह पे मैंक बोरवेल में फंसा हुआ है वहां तक प्रशासन पहुंचेगा। मेरे ठीक रहा है, यही रास्ता है, यही मशीन है, इसके जरिए जो है सुरंग है और इसी सुरंग के जरिए ही पूरा प्रशासन जो है तो वहाँ तक। खास बात इसमें यह है रीनू कि जिस तरीके से पूरा जो व्यवस्था की गई है, एक अच्छा खासा 60 फीट की जो लंबाई चौड़ाई है उसमें एक सुरंग टाइप से बनाया गया है और उसके जरिए ही अब अंदर तक
क्लास टेस्ट कर दी गई है। हालांकि जो इसमें मुख्य चीज है तो जो समय लग रहा है प्रशासन को, अब जो मिट्टी हटाने का जो समय था वो ज्यादा समय लग गया था, लेकिन अब मिट्टी नहीं हटाना है क्योंकि एक पाइप को सेटअप करके अंदर जाना है, तो ऐसे में लग रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा। उसके बाद जो प्रशासनिक टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, वो मैंग तक पहुंच जाएगी। रेनू जी बिल्कुल, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं है, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं हरीश, परिजनों की क्या स्थिति है उनके बारे में भी बताएं, और अधिकारियों से अगर कोई आपकी बातचीत हो पाई हो इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। देखिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे कलेक्टर हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो, सब यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो है तो अपनी निगाहें लगाए बैठे हुए हैं कि आखिरकार कितना जल्दी जो है तो रेस्क्यू टीम को सफलता मिले और मैंक जिस जगह पे फंसा हुआ है, जो बच्चा फंसा हुआ है, वहां तक प्रशासनिक टीम पहुंच सके और उसको बाहर निकाल सके। इसके लिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और जो बात अगर की जाए कि क्या है आगे का उसका मूवमेंट क्या है, तो उसके लेके अधिकारी जो है तो आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी के अनुसार जो तमाम यहाँ लोग हैं उनको दे चुके हैं और उसी दिशा निर्देश के आधार पर जो टीम है वो काम कर रही है। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं फिलहाल वो कर रहा है, लेकिन जो बरसाती कीड़े हैं वो जरूर गड्ढे पर आपको नजर आ जाएंगे। जो सीसीटीवी वीडियोज सामने आए, जो कैमरा लगाया गया वहां पर, उससे वो साफ हो रहा है। अब बोरवेल से बच्चे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि जल्दी सफलता मिलेगी। उनका ये भी कहना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, हर तरीके से ये कंफर्म किया जा रहा है कि वो सांस ले रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि बच्चे में कोई मूवमेंट ना होने की वजह से डर का माहौल जरूर बना हुआ है। तो रीवा का पूरा बोरवेल में गिरा हुआ है, उसका दोस्त मेरे साथ है और यही बच्चा था जिस वक्त को मैं बोरवेल पे गिरा है। कैसे गिरा है ये बताएं बाबू, कैसे गिरा है? मैं गिरा तो आप क्या कर रहे हैं? फिर गिरा तो फिर क्या हुआ? जब गिरा तो कुछ आवाज कर रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ, फिर आपको आप लोग क्या किए? यहाँ का कमी है क्या? दुनिया क्या है? तो एक मैं का दोस्त है जो स्पष्ट बता रहे हैं कि हम यहाँ गेहूं बिनने पहुंचे हुए थे और गेहूं बिनते समय जो सब आगे थे और पीछे पीछे चल रहा था और पैर दिशा जाने से बोरवेल में समा गया है। हालांकि वह निकालने की गुहार लगाता रहा और भी उसकी आखिरी आवाज थी कि बचा लो, लेकिन अब तक जो है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15-16 घंटे से अधिक बीत चुका है, लेकिन मैं का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18।